नमस्कार, मैं हूं एसएस पांडे। सबक्रियर में आप सभी का स्वागत है। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। ये क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र कबीर नगर। जो ये गलियों का निर्माण करा रहे हैं, कौन करा रहे हैं? गोपाल राय जी। गोपाल राय जी करा रहे हैं। इसमें जो ईंटें लग रही हैं, मटेरियल लग रहा है, किस क्वालिटी का? अच्छा लग रहा है, ईंटें बढ़िया लग रही है, कच्ची ईंटें जी। इसके लगाने में कोई फ़ायदा नहीं है, काम हो तो तरीके से हो जी, वरना ना हो जी। ये चाहते हैं और सफाई होनी चाहिए बढ़िया और सारे काम सही होना चाहिए। तो ये नुकसान होगा सरकार को, आम जनता को भी होगा? इससे होगा नुकसान, जनता को भी होगा, आम सरकार को भी होगा। इसका जिम्मेवार कौन, किसको मानते हैं? गोपाल राय जी। और निगम पार्षद? निगम पार्षद को तो दूरी हो तो बेचारा बोलते ही नहीं। निगम पार्षद का क्या नाम है? निगम पार्षद साजिद खान। तो साजिद खान इस मामले में कुछ नहीं कर रहे, उनके पास गए खान के पास? हम तो नहीं गए, और लोग गए हैं, उनसे हमारी कोई बात नहीं। उनको पता है इस बारे में? नहीं, उनको नहीं पता। तुम बोलो। मैं यहाँ का RWA का अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम नईम खान है जी। जो यहाँ गलियाँ बन रही हैं, तो विकास यात्रा निकाली थी गोपाल राय ने, कोई विकास यात्रा यहाँ नहीं हुई है। जो गली यहाँ बना रहे हैं वो कच्ची ईंटें हैं, क्योंकि तो पहले ही कांग्रेस के टाइम में बनी हुई है गलियाँ, वो बढ़िया थी। अब उन्होंने खोद के इतना बुरा हाल कर रखा है गलियों का, अब चलने दो बार है वहाँ पे। पहले ही होता था उद्घाटन होते ही दूसरे तीसरे दिन सड़क बन जाया करती थी, मगर अब तो महीनों हो जाते हैं सड़क को खोद रखा। आपने देखा हो, 4 नंबर 3 नंबर गले का बुरा हाल हो रहा है, चलने फिरने वालों को दिक्कत आ रही है। साजिद भी इसमें इन्वॉल्व है, एक उद्घाटन करता है और एक एक महीने पहले वोट लगा लेते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, क्षेत्र में बहुत बुरा हालत हो रही है। जब से चार महीने का ये पूरे जितने सरकार बनाई है आम आदमी पार्टी वालों ने, बहुत बुरा हाल है। कोई भी काम के लिए जाता है तो काम नहीं होता है। जो कबीर नगर में मटेरियल लग रहा है गलियों के अंदर, किस तरीके, किस क्वालिटी का लग रहा है? बहुत बेकार क्वालिटी का लग रहा है। आप खुद ही देख लेना, ये सड़कें बना रहे हैं, कुछ दिनों बाद क्या हाल हो जाएगा आपको खुद दिख जाएगा। हम आपको खुद बुला के दिखा देंगे, देखो जी क्या सड़कें बना रहे हैं, बेकार क्वालिटी का मामला है इसमें। ईंटें किस तरह की हैं? इसमें लाल ईंटें हैं, पीली ईंटें हैं, तो बेकार है, सस्ता है। अब जिसने ठेका ले रखा है, अब क्यों हो सकता है, उनने कमीशन दे रखी हो गोपाल राय को। और दूसरी बात यह है, गोपाल राय का जो भाई है योगेंद्र राय, वो गुंडागर्दी करता है इलाकों में आके, जनता के साथ बदमाश है, जनता के साथ गाली गुफ्तार करता है और बदमाशी दिखाता है। कोई विरोध करने जाए मंत्री का कहने के लिए तो वो गालियाँ बकता है। हमारे पास इसका वीडियो है, सब कुछ है। तो बताओ उसे किसने के अधिकार दे दिया कि जनता को गाली बकने का अधिकार दिया उसे मानने का? जनता ने 70-75 हज़ार वोटों से गोपाल राय को जिताया है। ये अच्छी बात है कि जनता को गाली बकेगा वो? बाबू भाई के जो निगम के पूर्व प्रत्याशी हैं और RWA के उपाध्यक्ष हैं और कबीर नगर के निवासी हैं। बाबा क्या हुआ आपके साथ, क्या दिक्कत है, क्यों आप परेशान हैं, क्या केजरीवाल ने आश्वासन दिया आपको, पूरी डिटेल से बताएं। हमारे यहाँ 23 सितंबर में गोपाल राय ने एक विकास रैली निकाली थी, जो कुछ काम ना हुआ लेकिन वीडियो से रैली निकाली, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब रैली निकाली तो हम RWA वाले ने कबीर नगर के काले झंडे दिखाए, और काले झंडे दिखाने का सभी का हौसला है। पीछे से उसका भाई आया, उसने हमारे साथ RWA वाले साथ कबीर नगर वाले साथ बदतमीजी की, धक्का मुक्की करी, जान से मारने की धमकी दी। और उनके साथ एक आदिल खान का आदमी था जो आज़ादपुर मंडी का चेयरमैन है, उसने भी सबको गाली दी और बदतमीजी करी, जान से मारने की धमकी भी दी और दोबारा फिर आने की कहा। आपने इस संबंध में कोई पुलिस FIR कराई, 100 नंबर कॉल किया? हमारे आदमी थे सभी, वो कह रहे थे कि आपस की बात है, आप अधे बैठ के हम इसको समझौता कर लेंगे और केजरीवाल के पास जाएंगे, गोपाल जी से बात करेंगे इस बारे में। लेकिन हमें गोपाल राय जी का अभी तक ना कोई जवाब आया, ना उन्होंने हमसे कोई बातचीत करी इस बारे में, और ना ही कोई आश्वासन दिया। कल हम केजरीवाल जी के पास गए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस बारे में बातचीत करेंगे। पूरा लेटर हमने पूरी यहाँ की जानकारी है एक एक उनको दे दी है, वो भी हमारे पास भी है, मूवी कोई अगर देखना चाहे तो मूवी भी दिखा सकते हैं। उसने हाथ से हमें धक्का दिया, सभी देखा भी होगा, फेसबुक पे भी डाला हमने, व्हाट्सएप पे भी डाला हर आदमी को, हाथ से धक्का दिया हमें काफ़ी दूर तक। किसने हमला किया था? जो योगेंद्र राज का नाम है, जिसका नाम गोपाल राय का भाई है। गोपाल राय का भाई आप आरोप लगाए गोपाल राय के भाई? उन्होंने आपके पास सबूत है कुछ? जी हमारे पास सबूत है, पूरा सबूत है, मूवी हमारे पास मूवी है उसकी। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम ही चाहते हैं गोपाल राय इस्तीफा दें यहाँ से, और आराधपुर मंडी का जो आदिल खान है चेयरमैन है आदिल खान, उसका भी हमें इस्तीफा चाहिए, नहीं तो हम अनशन करेंगे।
और बार बार हम उसको अनशन करेंगे, विद्रोह करेंगे और उसका प्रदर्शन करेंगे। अभी आपने बताया कि हम अरविंद केजरीवाल से मिले, जी हाँ जी, तो उन्होंने इस संबंध में क्या कहा? उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, हमसे लेटर लिया, उन्होंने टिकट भी हमने उनको दिया है और उन्होंने 2-4 दिन का हमें टाइम मांगा है, हमने नंबर भी दिया उन्होंने हमारे से बुलाने के लिए, कहा है कि आप हमें 2-4 दिन रुक जाओ, हमें टाइम दो, हम गोपाल राय से बात करेंगे इस बारे में। पुलिस ने कंप्लेंट की आपने, तो वहाँ पे SHO या DCP ने भी कहा? नहीं, अभी हम थाने में नहीं गए, पहले हम ये देख रहे हैं कि हमारे विधायक जो हमने बुला के भेजा है तो वो गोपाल राय जी इस बारे में क्या करते हैं, और ये केजरीवाल को ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म करना चाहे, राजनीति बदलना है, वो राजनीति बदलने नहीं आए, गुंडागर्दी करना है।